हेलो स्टूडेंट्स, नव भारती परिवार में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं साउंड का पार्ट थर्ड। पिछले दो वीडियो में हमने साउंड की प्रॉपर्टीज़ पढ़ी हैं। आज हम क्या बात करने वाले हैं? पिच के बारे में। ठीक है, तो पिच क्या होती है? पिच इज़ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड बाय विच वी कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन अ श्रिल एंड अ ग्रेव साउंड। पिच साउंड की एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है जो हमें बताती है कि श्रिल साउंड और ग्रेव साउंड में क्या डिफरेंस होता है। तो लोअर पिच क्या होती है? थोड़ी दूर दूर होती है, और हायर पिच को जब हम डिनोट करते हैं तो फ्रिक्वेंसी पास पास होती है। और ये किस पे डिपेंड करती है? पिच, पिच हमेशा फ्रिक्वेंसी पर डिपेंड करती है। द पिच ऑफ साउंड डिपेंड्स अपॉन द फ्रिक्वेंसी ऑफ साउंड। कोई भी साउंड है उसकी फ्रिक्वेंसी क्या है उसी के हिसाब से उसकी पिच होती है। ग्रेटर वैल्यू ऑफ फ्रिक्वेंसी लार्जर इज द वैल्यू ऑफ पिच ऑफ साउंड। ठीक है, जितनी ज़्यादा फ्रिक्वेंसी होगी उसकी पिच क्या होगी? उतनी ही लार्ज होगी, मतलब उनके बीच में डिस्टेंस उतनी ही ज़्यादा होती जाएगी। डिपेंडिंग ऑन वेव फ्रिक्वेंसी वी हियर आइदर हाई और लो साउंड्स। हाइयर वेव फ्रिक्वेंसी और हाइयर पिच। ठीक है, अगर फ्रिक्वेंसी ज़्यादा है तो इसका मतलब उसका जो पिच है वो भी ज़्यादा होगा। लोअर वेव फ्रिक्वेंसी लोअर पिच। लो फ्रिक्वेंसी है तो पिच भी क्या होगा? लो होगा। रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड इज मोर प्रोमिनेंट इफ द सरफेस इज रिजिड एंड स्मूथ एंड लेस इफ द सरफेस इज सॉफ्ट एंड इरेगुलर। कोई भी साउंड है जब वो रिफ्लेक्ट होती है तो अगर सरफेस रिजिड और स्मूथ है, अगर सरफेस स्मूथ है तो कम रिफ्लेक्ट होगी, और अगर सरफेस सॉफ्ट और इरेगुलर है, मतलब ऊबड़ खाबड़ है, फ्लैट नहीं है, तो क्या होगी? वो ज़्यादा रिफ्लेक्ट होगी। सॉफ्ट मटेरियल्स अब्सॉर्ब लार्ज अमाउंट ऑफ साउंड एनर्जी। जो सॉफ्ट मटेरियल्स होते हैं जैसे रबर है, प्लास्टिक है, कारपेट है, क्लोथ्स हैं, ये क्या होते हैं? सॉफ्ट मटेरियल्स होते हैं। ये बहुत ज़्यादा साउंड एनर्जी को अब्सॉर्ब कर लेते हैं, इसलिए साउंड एनर्जी इनमें से सही से ट्रांसमिट नहीं हो पाती। बाय यूजिंग सच मटेरियल्स इन नॉइजी प्लेसेस वी कैन रिड्यूस द लेवल ऑफ नॉइज पॉल्यूशन। और इनका एक अच्छा यूज़ भी कर सकते हैं। जैसे ही हम इन सॉफ्ट मटेरियल्स का यूज़ करेंगे, जिन एरिया में या जिन जगह पर नॉइज़ पॉल्यूशन होता है वो अपने आप कम होना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि जो सॉफ्ट मटेरियल्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा साउंड एनर्जी को अब्सॉर्ब कर लेते हैं और उसको फैलने से रोकते हैं। इफ़ द सरफेस ऑफ क्लासरूम्स आर टू अब्सॉर्बेंट द साउंड लेवल मे बी लो फॉर द ऑडियंस। वैसे ही क्या होता है, जैसे क्लासरूम है, अगर हमने क्लासरूम में इस टाइप के कोई सॉफ्ट मटेरियल्स लगा दिए तो क्या होगा? हमारी जो साउंड है उसका पिच कम हो जाएगा और ऑडियंस को सुनने में प्रॉब्लम होगी। साउंड का जो लेवल है वो बहुत कम हो जाएगा, क्योंकि क्या होगा, साउंड एनर्जी इन सॉफ्ट मटेरियल्स के थ्रू अब्सॉर्ब कर ली जाएगी। तो कई जगह पर ये सॉफ्ट मटेरियल्स अच्छे होते हैं यूज़ करने के लिए, और कई जगह ये बेकार होते हैं। Sometimes when sound reflects from the walls, ceiling and floor of a room, the reflecting surface are too reflective and the sound becomes garbled due to multiple reflection. कई ऐसे place भी होते हैं या कई ऐसी जगह भी होती हैं जिससे wall से या ceiling से floor से sound reflect होके सुनाई देती है, और उनमें reflection इतना ज़्यादा हो जाता है कि बार बार वो आवाज़ें सुनाई देने लगती है, उनमें मल्टीपल रिफ्लेक्शंस आ जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा टॉपिक ऑडिबिलिटी। द वर्ड ऑडिबिलिटी कम्स फ्रॉम द वर्ड ऑडियोबल। और ये वर्ड कहाँ से आया है? ऑडियोबल से। इसका मतलब क्या होता है? कैन बी हियर्ड, जो सुना जा सके। ठीक है, और सुनने की कैपेसिटी क्या होगी, उसकी रेंज क्या होगी, उसको हम बोलेंगे ऑडिबिलिटी। द रेंज ऑफ फ्रिक्वेंसीज विच अ लिसनर कैन हियर नॉन एज द रेंज ऑफ ऑडिबिलिटी। ठीक है, जो फ्रिक्वेंसी होती है साउंड की, जो लिसनर द्वारा सुनी जाती है, उसी को हम बोलते हैं ऑडिबिलिटी। द टीचर्स वॉइस नीड्स टू बी इफेक्टिव इन अ वैरायटी ऑफ सर्कमस्टेंस। टीचर्स नीड टू बी ऑडिबल। स्टूडेंट्स एट द बैक ऑफ द क्लास मस्ट बी एबल टू हियर देम एज वेल एज दूज एट द फ्रंट। जैसे
टीचर होता है वो क्लास में बोलता हो तो उसको क्या करनी पड़ती है, अपने साउंड को लाउड करना पड़ता है, उसकी पिच क्या होती है, हाई होती है, जिससे जो पीछे तक बच्चे बैठे हैं उनको भी वो साउंड सुन सके। तो ये क्या होती है, उसकी ऑडिबिलिटी होती है, साउंड की रेंज होती है। स्विचिंग फ्रॉम वन टू वन एंड स्मॉल ग्रुप्स टू हॉल क्लास एंड गेम्स सिचुएशन, टीचर्स हैव टू मेक अडेप्टिबिलिटी एज वन ऑफ देयर एबिलिटीज। Audibility, however, cannot be divorced by voice quality. ठीक है, next है kinds of sound waves. अब sound waves के कितने types होते हैं वो हम पढ़ेंगे। तो first है audible sound waves, नाम से ही पता चल रहा है जो audible हो, जो सुनी जा सके। Sound waves that can be detected by human ear, जो हमारे human ear के द्वारा सुनी जा सके उसको बोलेंगे audible sound waves. A sound waves with frequencies in the range of, और इनकी रेंज क्या होगी, 20 to 20,000 hertz, can be detected by human ear. This range varies from one individual to another. तो हमारे ह्यूमन के लिए, ह्यूमन ईयर के लिए कौन सी साउंड जो है वो अच्छी होती है, ऑडिबल साउंड वेव्स, और इसकी रेंज क्या होती है, 20 to 20,000 hertz. नेक्स्ट है अल्ट्रासोनिक वेव्स। साउंड वेव्स विथ अ फ्रिक्वेंसीज अबाउट 20,000 hertz आर कॉल्ड अल्ट्रासोनिक वेव्स। जो 20,000 hertz से ज़्यादा फ्रिक्वेंसी की साउंड होती है उनको हम बोलते हैं अल्ट्रासोनिक वेव्स। These waves can also reach human ear but are not detected. ये हमारे कानों तक तो पहुँचती हैं लेकिन हम उनको पहचान नहीं पाते। This ultrasonic sound can be detected by some animals. और इनको कुछ animals द्वारा detect किया जाता है, जैसे dogs हैं, ठीक है, वो 50,000 hertz से भी ज़्यादा की frequency की voice सुन सकते हैं। Wild bats, जैसे bats हैं, वो 100,000 मतलब 1,00,000 hertz जो है वहाँ तक की भी फ्रिक्वेंसी को सुन सकते हैं। तो ये अलग अलग इनकी कैपेसिटी होती है सुनने की, हमारे ह्यूमन ईयर की होती है 20 to 20,000 hertz, डॉग्स की होती है अबाउट टू 50,000 hertz, और बैट्स की क्या होती है, हायर देन 1,00,000 hertz. अब है अल्ट्रासोनिक वेव्स इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन। ये जो अल्ट्रासोनिक वेव्स होती हैं वो मेडिसिन फील्ड में भी बहुत ज़्यादा यूज़फुल होती हैं। अल्ट्रासोनिक वेव्स आर यूज्ड टू प्रोब ह्यूमन ऑर्गन्स इंस्टेड ऑफ एक्सरेज। जब हम एक्सरे करवाते हैं तो उसमें कौन सी रेज का यूज़ किया जाता है, अल्ट्रासोनिक वेव्स का। अनलाइक एक्सरेज, अल्ट्रासोनिक वेव्स डज नॉट डैमेज ह्यूमन टिश्यूज। एक्सरे में कोई भी जो ह्यूमन टिश्यूज़ हैं उनका नुकसान नहीं होता है, उनको डैमेज नहीं पहुँचता है। और क्या होता है, जो एक्सरे होती है वो हमारी जो बोन्स हैं उनको पार नहीं कर पाती है, इसलिए वो प्रिंट शो हो जाता है एक्सरे का। अब कुछ यूज़ दे रखे हैं अल्ट्रासोनिक साउंड के। दे आर यूज टू डिटेक्ट ऑब्जेक्ट्स, ये ऑब्जेक्ट्स का पता लगाने में काम आती हैं। दे आर यूज टू मेजर डिस्टेंसेज, डिस्टेंस का पता लगाने में काम आती हैं। They are used to ultrasonic imaging. They are used to veterinary medicines, human medicines, cleaning of chemicals, mixing of chemicals, accelerate chemical process. They are used to monitor health and sometime to determine the position of unborn baby. जैसे कई जो pregnant ladies होती हैं उनको अल्ट्रासाउंड करवाई जाती है उनसे, ताकि वो अनबॉर्न बेबी की पोजीशन को जान सके, तो उसमें भी अल्ट्रासाउंड का यूज़ किया जाता है। अल्ट्रासाउंड कैन आल्सो बी यूज्ड इन अल्ट्रासोनिक ड्रिल टू कट होल्स इन हार्ड मेटल रेल्स सच एज ग्लास स्टील एंड ज्वेलर। जो ज्वेलर होते हैं या जो ग्लास स्टील को कट करने का काम करते हैं, जो मेटल्स को, जो हार्ड मेटल्स होते हैं उनको काटने के लिए भी इन वेव्स का यूज़ किया जाता है। अल्ट्रासाउंड प्लसेस आर बींग यूज टू डिस्टिंग्विश माइनर ट्यूमर्स एंड काइंडली स्टोन्स। और इनका यूज़ जो माइनर ट्यूमर्स होते हैं, जो कैंसर की गांठें होती है जिनको हम ट्यूमर का नाम देते हैं, उनका पता लगाने में, और स्टोन्स जैसे किडनी में स्टोन हो जाता है, पथरी हो जाती है, उनका पता लगाने में भी इनका योगदान होता है। इन मेडिकल अल्ट्रासाउंड इज़ प्रिफर्ड ओवर एक्सरेज एज इट इज़ लेस hazardous due to its low energy.
नेक्स्ट है हमारे पास इंफ्रासोनिक वेव्स, साउंड वेव्स विथ फ्रिक्वेंसीज बिलो 20 हर्ट्ज। ऐसी साउंड वेव जिनकी फ्रिक्वेंसी 20 हर्ट्ज से भी कम होती है उनको हम नाम देते हैं इंफ्रासोनिक वेव्स। कॉमन सोर्स ऑफ दिस वेव्स आर वाइब्रेटिंग हैवी मशीन्स, अर्थक्वेक, थंडर एंड वॉल्केनिक इरप्शन। जैसे अर्थक्वेक आता है, भूकंप आता है, थंडर होता है या कोई हैवी मशीन है जब वो वाइब्रेट होती है तो उससे जो साउंड जनरेट होती है उसकी फ्रिक्वेंसी 20 हर्ट्ज से भी कम होती है। दीज वेव्स आर ऑडिबल बट कैन कॉज डैमेज टू द ह्यूमन बॉडी। क्या होगा, ये जो है वेव्स ये ऑडिबल तो होती है लेकिन इसके कारण ह्यूमन बॉडी को बहुत ज़्यादा डैमेज होता है। तो आज की क्लास यहीं तक, नेक्स्ट क्लास में हम ह्यूमन ईयर और पॉल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।